Hey guys, welcome back to another Ethic Recipes video. क्या आपको भी बारिश के बाद मिट्टी से जो भीमी भीमी सी खुशबू आती है वो पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है. और अगर आपको आपकी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स ऐसे स्टोर से मिल जाए तो भाई ये तो आइसिंग ऑन केक हो जाए. दीज आर ब्लैक पेपर्स, जो कि इतने भी ब्लैक नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली रॉ है, और जब ये राइप हो जाएंगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएंगे. वैसे आप इन्हें ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको इनका पाउडर बनाना है तो ऑल यू हैव टू डू इज सोक देम इन हॉट वाटर फॉर फ्यू आवर्स एंड देन सन ड्राई देम. इससे इनका कलर ब्लैक में टर्न हो जाएगा. एंड देन यू जस्ट हैव टू ग्राइंड देम एंड टडा, आपका बिल्कुल ऑर्गेनिक ब्लैक पेपर पाउडर रेडी है. मेरी मम्मी तो हमेशा से ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐसे ही बनाती आई है. बाय द वे, आज की जो रेसिपी है दैट इज़ लोडेड विथ मेनी हेल्थ बेनिफिट्स, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा पता करने के लिए कि ये सरप्राइजिंगली अमेजिंग बेनिफिट्स क्या है. पर उसके पहले देखते हैं कि हमें और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए. नेक्स्ट इज करी लीव्स, जिनको कि एसमीज में नोरोहिंगो पात कहते हैं. आप इसको ईजीली उगा सकते हो, जैसे कि मेरी मम्मी ने अपने बैकयार्ड में उगाया है. सबसे इम्पॉर्टेंट है मारसांग, जिसको इंग्लिश में टूथ एक प्लांट और हिंदी में अकरकरा कहा जाता है. इसके अलावा वाइल्ड फिडल हेडेड फर्न, जिसको कि लोकल डायलेक्ट में रुकजी कहते हैं. यूँ तो ये दिखने में लुंगडू या जिसे आसमीस में ढेकियाहक कहते हैं उसके जैसा लगता है, पर ये उससे डिफरेंट है. वैसे रुकजी को आसमीस में बिक देखिया कहते हैं, और इस नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के बिना तो ये डिश बन ही नहीं सकती. अब अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह धो लें. ये अपना मसाला प्रिपेयर करते हैं. पहले एक डीप आयरन का पैन ले और उसे पानी से भर दे. यूँ तो आप नॉन स्टिक पैन का भी यूज़ कर सकते हो, बट ट्रेडिशनली आयरन पैन का ही यूज़ किया जाता है. अब इस पे चिलीज को काट के इस तरह डाल दे एंड लेट इट कम टू सिमर. और जब ये सिमर पे आ जाए, इस पे अपना चिकन ऐड करें और एक लिड लगा दे, और पानी को थोड़ा गुनगुना हो जाने दीजिए. फिर इस पे टर्मरिक और सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल दे, और जैसे ही इस पे उबाल आने लगे अपने सारे हर्ब्स इस पे ऐड कर दे. अब वापस से इस पे लिड लगा दे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे उबलने दे. और आफ्टर 10 मिनट्स इसकी लिड हटा के इस पे जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो डाल दे, और अच्छे से स्टर करते हुए मिक्स कर दे. आप टेस्ट को एलिवेट करने के लिए थोड़ा सा कोरिएंडर या जिंजर लीव्स भी डाल सकते हो. हमने यहाँ जिंजर लीव्स का यूज़ किया है. बस इसे अच्छे से बॉईल होने दे और थोड़ा सा स्टर करे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए, और एंड में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल के इसकी गार्निशिंग कर दे. और बस आपका जाल रेडी है.
मेक श्योर कि आप इसे गरम गरम ही पिए। जौल के कई बेनिफिट्स हैं। इसे ट्रेडिशनली डिलीवरी के बाद मदर्स को पिलाया जाता है। इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है और अगर लैक्टेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी स्मूदन हो जाती है। और सर्दी या कोल्ड के टाइम जब नाक बंद हो जाती है और टेस्ट बड्स नम हो जाते हैं, तब तो ये सूप बिल्कुल पोटेंट वेपन का काम करता है और आपके पांचों के पांचों टेस्ट रिसेप्टर्स एंड 10,000 टेस्ट बड्स को रीएक्टिवेट कर देता है। और जब भी हम लो या डी एनर्जाइज्ड फील करते हैं तो मेरी मम्मी झट से ये झाल बना के हमें पिला देती है एंड इट डज हेल्प। दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ इट्स बेनिफिट्स। लिस्ट बहुत लंबी है, बट एनीवेज आप ये सूप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुतों को इसका टेस्ट काफ़ी पंजेंट लग सकता है, बट इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये पसंद आए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।